हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है क्रेड। तो मैंने इस पे पहले से भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा था प्लीज़ देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इसके एक फ़ीचर की बात करूँगा जिसका नाम है किल द बिल। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है आपके सामने ही। और सबसे पहले दोस्तों, कुछ भी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? आप उसको पहले देखो, उसके बाद हम ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ मैंने इस तरीके का किया और यहाँ से मुझे आए हैं 14 रुपीज़ पैसे हैं वो मेरे क्रेडिट कार्ड में अपने आप ही क्रेडिट हो जाएंगे 14 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी फ़ीचर की बात करूँगा आपसे। इस फीचर का नाम है किल द बिल। ठीक है, तो ये फ़ीचर जो है वो इस एप्लीकेशन का फ़ीचर है। देखिए, इस फीचर का मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हम गूगल पे, आपने सुना होगा तेज एप्लीकेशन, उसमें हम किसी को पैसे भेजते थे या पाते थे तो हमें वो स्क्रैच कार्ड मिलता था, उसको हम स्क्रैच करते थे तो क्या होता था कि हमें अमाउंट मिलता था। ठीक है, से इस एप्लीकेशन में अगर आप पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है। हर 1000 रुपीज़ के पेमेंट पे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाता है। चाहे आप 1000 करो, 5000 करो, चाहे 10000 करो, उस पर किल द बिल का ये कूपन जो आप देख रहे हो सामने, स्क्रैच कार्ड, इसको बोल रहा हूँ मैं स्क्रैच कार्ड, तो ये आपको मिल जाता है। उसके बाद क्या करोगे आप, इसको स्क्रैच करोगे या ड्रैग डाउन टू क्लेम, देखो लिखा हुआ है कि आप अगर उसको नीचे करते हो, बेसिकली उनमें क्या होता है कि स्क्रैच करते हैं, इसमें हम क्या है उसको नीचे की ओर ड्रैग करते हैं। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि मतलब इसको बेसिकली स्क्रैच करना होगा, लॉटरी की तरह हो गया, निकालना हो गया इसको, तो वही है, तो इसमें आपको मिलेगा। तो मैंने देखिए दोस्तों, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का मेरा ड्यू था तो मैंने सारे पेमेंट कर दिए हैं, तो उसी के हिसाब से मुझे ढेर सारे ये जो है स्क्रैच कार्ड मिल रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको आपके सामने ही देखिए, अभी भी मैंने मुझे खुद नहीं पता कि कितना मतलब पैसे आने वाले हैं, आपके सामने ही मैं खोल के दिखाऊंगा इसको कितने पैसे निकलते हैं। कि अगर आपने मेरा एक पहले इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ठीक है? वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि कैसे आप इसको जो है, ये देखिए इसमें रिवार्ड्स वगैरह के अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये आप मूवी देखने के लिए कूपन खरीद सकते हो, ठीक है, ये कोस्टा कॉफ़ी का आप रिवार्ड ले सकते हो, ठीक है, और ये गैप का भी आपको मिल सकता है, ये 1MG का, ये सारा Gaana.com का मेम्बरशिप मिल सकता है आपको, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हो कि 34,676 जो क्रेड कॉइन्स हैं, इनसे मैं बहुत सी चीज़ें खरीद सकता हूँ। लेकिन मैं ये जो किल द बिल करूँगा, ये जो किल द बिल है ये क्या करता है कि 1000 क्रेड कॉइन्स हमारे यूटिलाइज़ करता है। तो अगर आपका इसका ओवरव्यू देखना है ऐप का तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लो। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको दूसरा स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करके दिखाता हूँ। पहले में हमारे 14 निकले थे। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, वहाँ हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है? तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे कितने पैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने दूसरे कार्ड को ड्रैग किया। भाई देखिए, दूसरे कार्ड में निकले 13 रुपये। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें जितने भी पैसे निकलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इसका आपको फिर बाद में कुछ शॉपिंग करना है, कुछ करना है, ये सीधे आपके कार्ड में जाके जमा होते हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कार्ड में जाके जमा हो जाएंगे। तो 14 प्लस 13, ठीक है, मैं ऐड करते जा रहा हूँ साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट, ये तीसरा है हमारा, इसमें निकले 11, ठीक है, तो हम इसको ऐड करते जाते हैं। मैंने इसमें ऐड कर दिए 11। चलिए ना, तो ठीक है, तो इसमें निकले 12, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये दोस्तों पूरे आपके लक पर डिपेंड करता है, वैसे रैंडम सा होता है ये, कभी 1000 भी निकले, मेरे खुद 1000 निकले हैं, मेरे दोस्त के 2 बार 1000 निकले हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकलते हैं 1000 भी निकलते हैं इसमें। इसमें देख लेते हैं कितना निकलता है, इसमें निकला 23, तो हम 23 को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कितने निकलते हैं भाई, इसमें हमारे निकले 13। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास शायद 27 के अराउंड हैं ये, ठीक है, 27 का राउंड है, तो वो मैं कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लूँगा एक बार, वैसे कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो डेटा है वो पता चल जाएगा कि हमने कितने डेटा का एडिशन किया है, तो ये निकले 13। चलिए आगे चलते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आखिर जो है वो इसके मिनिमम कितना है, मतलब अगर हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर मतलब स्क्रैच कार्ड से 1000 बर्न करने के बाद। ठीक है, इसमें भी निकले 14, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 13, 14, 13, 14 ज़्यादातर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, कहीं 1000 भी निकल सकता है हमारा, मैं उसकी तलाश में हूँ।
28 रुपये निकले इसमें। चलो बाकी से तो अच्छा था ये। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे दोस्तों, 155 रुपये तो हमने पहले ही अर्न कर लिए हैं फ्री के। ठीक है, कुछ भी हमने नहीं किया था, हमने अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे किया था, जो कि हमें तो करना ही होता है। ठीक है, उसमें 8-10 रुपये और ऐड करो आप। ठीक है, तो ये जब ऐप नहीं था उससे पहले भी हम अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करा करते थे। ट्वेंटी वन निकले। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे किस वाले कार्ड में ऐड हो रहे हैं, 5518 वाले कार्ड में। तो जिस कार्ड में आपने पेमेंट किया होगा ना, उसी कार्ड में ये जो रिवार्ड निकल रहे हैं उसी कार्ड में जाके ऐड होंगे, किसी और में ऐड नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो किसी कार्ड में, वैसा नहीं है। जिस कार्ड के लिए आपने पेमेंट किया था उसी कार्ड में जाके ऐड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे कितने निकले, इसमें निकले 14, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ जो ये पैसे जो है वो मेरे कार्ड में जाकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो समझिए कि आपका जो कर्जा है वो ख़त्म होते जा रहा है। नेक्स्ट, थोड़ी सी टाइम लग रही होगी आपको, लेकिन हम जो है उसको अच्छे से इवेल्यूएट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 निकला है, ये हुई ना बात, ये अब थोड़ा सा सही काम हो रहा है, अब मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है। चलो आगे स्क्रैच करते हैं, हमने बंद करके फिर से ऑन कर लिया इसको। देखिए 52 रुपये निकले। फ्री के कौन देता है आपको 52 रुपये यार, मैं तो ये नहीं समझ पाता। चलो एनीवे, जब तक मिल रहा है मिल रहा है, आपको पता ही है कभी भी बंद हो सकता है। तेज में भी ऐसा ही था, वो भी बंद हो गया। फ़ोनपे ने थोड़ी लेट से शुरू किया है। फ़ोनपे में आजकल आपको वो जो है स्क्रैच कार्ड आया, उन्होंने सिस्टम किया है कि अगर आप पैसे किसी को भेजते हो तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा। ठीक है, उसको देख के तेज ने भी शायद बस वन वे कर दिया। पहले वो टू वे था, जो भेजता था उसको भी मिलता था, जो पाता था उसको भी मिलता था, अब सिर्फ जो भेजता है उसको मिलता है। चलिए एनीवे, हम अब मेरे पास 3-4 ही बच्चे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसमें देखिए दोस्तों 16, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1, 1, 2, 3, 4, बस 4 बच्चे हैं मेरे पास। इन 4 में अगर 1000 निकल गए तो ठीक, इसको ऐड कर देते हैं, 16 को ऐड कर देते हैं। देखिए एक्सपायर इन 6 डे लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 7 दिन तक चलता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। इसका टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। इस कार्ड गिव्स यू एन अश्योर्ड कैशबैक अप टू द अमाउंट मेंशन्ड ऑन द रेस्पेक्टिव कार्ड्स, कि आपको ये कार्ड जो है वो 1000 रुपये तक का, अप टू 1000 रुपये तक का अश्योर्ड कैशबैक देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट विच द रिवॉर्ड वॉज रिसीव टू, इस जो ये अमाउंट है वो उसी कार्ड में जाएगी जिसके लिए आपने इसको स्क्रैच किया था, वो 3 से 4 दिन के अंदर चली जाएगी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कार्ड के हिसाब से होता है। HDFC में तुरंत हो जाता है, बाकी कार्ड में थोड़ी लेट से होता है। ठीक है, द कंपनी रिजर्व द राइट टू डिडक्ट टैक्सेस एज एप्लीकेबल वेयर एप्लीकेबल और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव विल रीच आउट यू इन सच केसेस विद इन 24 आवर कैशबैक बीइंग रिवॉर्डेड। तो इसमें बोल रहे हैं कि टैक्सेस वैक्सेस भी अप्लीकेबल होंगे आपको, और उस केस में मेरे जो है वो कस्टमर केयर आपको रीच करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं मेरे साथ, मुझे 1000 भी निकले लेकिन ऐसा कोई केस कोई नहीं हुआ नहीं। ठीक है, डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन अलॉटमेंट एंड क्लेम ऑफ मिस्ट्री कैशबैक रिवार्ड आर सब्जेक्ट टू फेयर यूज, मिस यूज कैन लीड टू ब्लैक लिस्टिंग और बैन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी सच रिवार्ड ऑन सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन। क्रेड रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द रूल्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू दिस एट एनी टाइम। तो देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इसका मिस यूज करोगे तो आप जो है ब्लैक लिस्ट का हो जाओगे आप। तो चलो आगे देखते हैं, अब आगे अगर हम देखें कि हमारे पास कितने बच्चे हुए हैं, और एक और बचा हुआ हमारे पास। ये तो दोस्तों मैंने 1,00,000 रुपये का अराउंड पेमेंट किया होगा तब जाके मुझे इतने कार्ड मिले हैं। मेरे पास 3-4 कार्ड हैं, उनमें इतने पेमेंट तो हो ही गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उसका मिस यूज करना शुरू कर दो, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। तो +14 +10 +14 +10 तो 491 ये टोटल हमारा पैसा बना। अब हम देख लेते हैं हमने कितने एडिशन किए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तो 27 पे 491, तो 491 डिवाइडेड बाई 27। तो देखिए दोस्तों, एवरेज जो है इसका हर स्क्रैच पे 18.18 का बन रहा है, कि मतलब हर स्क्रैच पे आपको 18 रुपये तो मिलते ही मिलते हैं क्रेड में। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका किल द बिल फीचर। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो में कि आपको कैसा लगा ये फीचर 27 स्क्रैच कार्ड करके, कि 491 मुझे मिल गए पैसे। ठीक है, उनमें हर कार्ड पे मतलब आपको एवरेज 18 रुपये बन सकते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।